इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि ओप्पो F11 प्रो मोबाइल में साइड बैक किस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन आ रही हैं जिन इनसे हम बैक करते हैं। तो एक होता है ये ऑप्शन जिससे आप बटन से करते हैं, और एक होता है कि आप कुछ इस तरह से करते हैं और आपका फ़ोन चलता है। तो वो सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्जन टूल। आपको कन्वर्जन टूल पे क्लिक करना है। कन्वर्जन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेविगेशन, आपको नेविगेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्वाइप गेस्टर फ्रॉम बोथ साइड, और यहाँ पे वर्चुअल बटन। वर्चुअल बटन ये हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बटन दिख रही है, और मैं इसे चेंज करता हूँ तो ये चेंज भी हो जाएगी। पर हमें इन दोनों में से कोई भी नहीं रखना है, और यहाँ पे मोर में भी देखते हैं, मोर में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे स्वाइप गेस्टर फ्रॉम बोथ साइड इसे आपको लगाना है। तो इसे आपको क्या करना है, आपको इसे टिक करना है, और कुछ इसमें बता रहे हैं अगर आपको बैक करना है तो कुछ इस तरह से करना है, और होम स्क्रीन आना है तो कुछ इस तरह करना है, और टास्क ऐप ओपन करना है तो कुछ इस तरह से करना है, स्विच बिटवीन ऐप में स्विच करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं किस तरह से आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है किस तरह से, अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना है तो आपको कैसे करना है, बैक आना है तो कैसे करना है, और बैक आना तो कुछ इस तरह से करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको होम स्क्रीन पे आना है तो किस तरह से आप आ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रीसेंट ऐप ओपन करने हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से ऐप में किस तरह से स्विच कर सकते हैं। तो अगर आपको होम पे आना है तो कुछ इस तरह से करना है, और रीसेंट ऐप को स्विच करना है तो कुछ इस तरह से करना है। अगर आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे ऐप में स्विच करने के लिए। तो कुछ इस तरह से जो है आप ये सेटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप बटन हट चुके हैं, और कुछ इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।